देश की राजधानी दिल्ली अब अपराध की राजधानी बन चुकी है। द्वारका मोड़ इलाके में बुधवार को स्कूली छात्रा पर तेजाब से हमला किया गया। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि यह वारदात उस वक्त हुई जब छात्रा अपनी छोटी बहन के साथ सुबह तकरीबन 7:30 बजे के आसपास स्कूल जा रही थी। पीड़िता 12वीं क्लास की छात्रा है। लड़की को घायल अवस्था में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। परिजनों का दावा है कि लड़की का चेहरा पूरी तरह से खराब हो चुका है। तेजाब दोनों आंखों में जाने की वजह से लड़की की आंखों की रोशनी जाने की संभावना परिवार ने व्यक्त की है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पीड़ित लड़की और आरोपी लड़के की पहले से जान पहचान थी। फिलहाल पुलिस ने मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। इस मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि दो बाइक सवार शख्स दिखाई दे रहे हैं जो स्कूल जा रही छात्रा पर एसिड फेंक कर भाग निकलते हैं नीले रंग की बाइक पर। इस घटना के बाद दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर सरकार पर सवाल उठाए। ट्वीट कर कहा कि द्वारका मोड़ के पास एक स्कूली छात्रा पर तेजाब फेंका गया है। हमारी टीम पीड़िता की मदद के लिए अस्पताल पहुंच रही है। बेटी को इंसाफ दिलाएंगे। महिला आयोग सालों से देश में तेजाब बैन करने की लड़ाई लड़ रहा है। कब जागेंगी सरकारें? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर कहा कि ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अपराधियों की इतनी हिम्मत आखिर हो कैसे गई? अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। दिल्ली में हर बेटी की सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा से बात की। एलजी ने पुलिस कमिश्नर से पूरी वारदात की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग कर डाली है। दिल्ली देश की राजधानी में एक 17 साल की लड़की के ऊपर आज एसिड अटैक करा गया है। वो लड़की चल रही थी, स्कूल की यूनिफॉर्म में थी। दो आदमी बाइक पे आते हैं और उस लड़की के ऊपर एसिड फेंक के चले जाते हैं। हम दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू कर रहे हैं, इन दोनों को तुरंत अरेस्ट किया जाए और सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। लड़की और लड़की के परिवार की जो भी संभव मदद है हम करने की कोशिश कर रहे हैं। पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, दिल्ली महिला आयोग पिछले कई सालों से बार बार रिकमेंडेशन दे रहा है, नोटिसेस इश्यू कर रहे हैं, समन्स इश्यू कर रहे हैं कि कब रिटेल सेल ऑफ एसिड को बैन करोगे। आज दिल्ली की ये हालत है कि दिल्ली में कोई भी जाकर जैसे सब्जियां मिलती है ना, उस तरीके से कहीं से भी आसानी से एसिड खरीद के ले आता है और किसी के ऊपर भी डाल देता है। तो ये कब तक चलता रहेगा? क्यों सरकारें सो रही हैं और क्यों वो इसके ऊपर निर्णय नहीं लेती कि रिटेल सेल ऑफ एसिड को पूरी तरीके से बैन किया जाए? दिल्ली महिला आयोग नोटिसेस इश्यू करेगा और इंश्योर करके रहेगा कि रिटेल सेल ऑफ एसिड बैन हो, क्योंकि जब एक लड़की के ऊपर एसिड फेंका जाता है ना, तो उसकी पूरी की पूरी रूह कांप जाती है। इतनी बुरी तरीके से उसको जख्मी करा जाता है और उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद कर दी जाती है। तो कुछ सरकारें, क्योंकि वो सो रही हैं, वो रिटेल सेल ऑफ एसिड बैन नहीं कर रही। इससे हम रुकेंगे नहीं। अगर कोर्ट तक जाना होगा तो दिल्ली महिला आयोग कोर्ट जाएगा और रिटेल सेल ऑफ एसिड को बैन करा के रहेगा। आज सुबह 9 बजे द्वारका जिले के मोहन गार्डन थाने में एक इन्फॉर्मेशन रिसीव हुआ कि 17 वर्ष की लड़की पे दो बाइक सवार लड़कों ने एसिड लाइक सब्सटेंस से अटैक किया है। ये घटना सुबह 7:30 बजे के आसपास का पाया गया, जब ये लड़की अपनी बहन के साथ जा रही थी। वो लड़की अभी अंडर ट्रीटमेंट है और 8% बर्न्स है, हॉस्पिटल में एडमिट है। कंडीशन स्टेटेड टू बी स्टेबल। एक लड़के को डिटेन किया गया है और फर्दर पूछताछ अभी किया जा रहा है और एक अन्य लड़का इसमें मेन सस्पेक्ट के तौर पर उभर कर आया है, जिसके लिए भी हमारी टीम लगी हुई है। मल्टीपल टीम्स फॉर्म कर दिए गए हैं और जितने भी लीड्स हैं सब पे कार्रवाई चल रहा है।